मुंबई के माटुंगा के सर्वमुखानंद के चंद्रशेखरानंद सरस्वती ऑडिटोरियम में होली के अवसर पर मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई द्वारा मेवाड़ होली महोत्सव और महाविराट कवि सम्मेलन का आयोजन दर्शकों से भरे अपार जनसैलाब के बीच किया गया, जिसमें देश के जाने माने तारक मेहता फेम कवि शैलेश लोढ़ा, वीर रस के कवि अशोक चारण, सिंगार रस की कवित्री पद्मिनी शर्मा, हास्य कवि राजकुमार बादल, हास्य कवि कानू पंडित ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। तो ही प्रमुख आकर्षण के केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कवि शैलेश लोढ़ा रहे, जिन्होंने अपनी काव्य पाठ से दर्शकों को खूब हंसाया। तो ही कोविड काल के बाद इस सफल और ऐतिहासिक कवि सम्मेलन की सफलता की बात करें तो इसमें श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई के अध्यक्ष दिलीप पगारिया, संस्था प्रमुख दिनेश बोहरा, महामंत्री मनीष सियाल, कोषाध्यक्ष अजीत धाकड़, संरक्षक रोशन बोहरा, मनीष पालीवाल के अलावा कार्यक्रम के तमाम स्पॉन्सर टीम और समाज के गणमान्य लोगों का सहयोग रहा। तो इस मौके पर अध्यक्ष दिलीप पगारिया ने कहा कि समाज के सम्मानित बंधुओं ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और मेरे मन में मेवाड़वासियों के प्रति सभी को एकता के सूत्र में बांधने और उनको मजबूती देने के लिए कई योजनाएं हैं जिसके लिए मैं जल्द काम करूंगा और लोगों से मिलने जुलने और आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने होली का कार्यक्रम रखा जो आप सभी के सहयोग से सफल हो पाया, उसके लिए हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर सभी स्पॉन्सर का दिल से आभार प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो पाया। इस पर देखिए मौर्य स्थान की खास कवरेज। पूरी निकाल माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेवाड़ एकता संघ की सभी सदस्यों को, उपस्थित पदाधिकारियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। होली की अनंत और अनन्य शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूँ। होली की शाम आप यहाँ पे हमें सुनने के लिए एकत्रित हुए, इससे लगता है कि आज दिन में ज्यादा हो गई थी, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छे दिन से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बढ़िया पढ़ा तमाम लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ मौर्य स्थान के होली के रंग। आपको बता दें कि होली का मौका है, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ की बात करें, राजस्थान की बात करें तो रंग रंगीलो राजस्थान कहा जाता है और होली का सर्वमुखानंद हाल में श्री राजस्थान मेवाड़ी एकता संघ मुंबई द्वारा भव्य और ऐतिहासिक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा जी कवि पाठ कर रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं महंत पगारिया, आप जो है इस कार्यक्रम को करने में आपने काफ़ी मेहनत किया है। आज जो हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, होली का मौका है, सभी मेवाड़ वासियों, मुंबई वासियों के लिए, देशवासियों के लिए होली की शुभकामनाएं के लिए आपका कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मारो राजस्थान चैनल जो आज यहाँ पर आया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूरे भारत में जिस तरह आज मोदी के रंग में रंगा हुआ है, होली के रंग में रंगा हुआ है और आज इस सम्मेलन हॉल में राजस्थान एकता मेवाड़ संघ ने जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत ये कार्यक्रम पहली बार जो आज यहाँ पर हो रहा है, 10 दिन की मेहनत है और 10 दिन के अंदर पब्लिक का आप देख रहे हो रुझान, बाहर बहुत सारी पब्लिक खड़ी है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान की एकता है वह पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है और महाराणा प्रताप की भूमि से हम बिलोंग करते हैं। और आज इस सुंदर कार्यक्रम के लिए शैलेश लोढ़ा जी भी आप पधार रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री राजस्थानी मेवाड़ संघ मुंबई द्वारा यहाँ पे भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, विराट कवि सम्मेलन किया गया। मनीष सियाल जी हमारे साथ जुड़े। मनीष सियाल जी, जिस तरह से श्री राजस्थान मेवाड़ी एकता संघ मुंबई ने जिस तरह से कार्यक्रम किया है, शैलेश जी लोढ़ा एक विश्वविख्यात कवि आए और कार्यक्रम में पूरा चार चार लगा दिया, क्या कहना चाहेंगे मेवाड़ के युवाओं की ओर से और होली के मौके पर लोगों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सर, काफ़ी युवाओं में जोश था, पिछले 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, हमने बहुत कोशिश की, हमें 4 तारीख को गवर्नमेंट की गाइडलाइन मिली
कि आप 100% कैपेसिटी से एक प्रोग्राम कर सकते हैं। हमने सारे स्पॉन्सर को एक कॉल में सब लोग रेडी हो गए और सभी ने इतना साथ दिया कि हमने ये प्रोग्राम 8 दिन के अंदर रेडी करके इतने बड़े मंच के ऊपर एक विख्यात राष्ट्रीय विख्यात कवि शैलेश लोढ़ा को आमंत्रित करके इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। मुंबई के मनीष जी महामंत्री हैं, महामंत्री होने के नाते जो कार्यक्रम एकदम सुपर डुपर हिट हुआ, तो उसके लिए पूरी आप कार्यकारिणी टीम और जितने सदस्य जुड़े हैं और पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, पूरी टीम ने हमें इतना अच्छा सहयोग दिया कि शायद ये एक बहुत बड़ा मंच है। जिस तरह लोगों का प्यार मोहब्बत और सब आशीर्वाद मिला है, ये अविश्वसनीय है। मैं सभी को थैंक्स बोलूँगा जितने इतनी कैपेसिटी में लोग पधारे हैं और हमें इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में पूरी सफलता देने में साथ दिया। सभी का तहे दिल से श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत काबिले तारीफ काम किया है ये, और ये जो मेन मंत्री महोदय हैं वो हमारे कंवर साहब हैं, और उनका फ़ोन आया था कि भाई हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप आओ, तो मैं पूरी फैमिली के साथ में यहाँ आया था। ये प्रोग्राम देखने के बाद में वास्तव में बहुत अच्छा काबिले तारीफ प्रोग्राम लगा। मतलब मैं हर बार ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए और हम आते रहेंगे और हमारे उधर भी करवाते रहेंगे। राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई द्वारा यहाँ पर ऐतिहासिक और भव्य होली के रंग रंग रंगीलो राजस्थान की तर्ज पर रंगारंग कार्यक्रम हास्य कवि सम्मेलन का महायोजन किया गया। हमारे साथ दो राष्ट्रीय कवि जुड़ रहे हैं जिन्होंने कार्यक्रम में शैलेश लोढ़ा जी के साथ 4 चांद लगाए। जी सर, आपका नाम? अशोक चारण। अशोक चारण जी, जिस तरह से आपने कवि सम्मेलन किया, एक लोगों में उत्साह देखा गया होली के दिन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये त्रासदी के बाद में हम उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं। 2-3 साल से बिल्कुल जब कार्यक्रम हो नहीं रहे थे, ऐसे दौर में इतने बड़े कार्यक्रम का होना, वाकई मेवाड़ एकता संघ को हम बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। और ये उत्सव इसी तरह निरंतर रहें, लगातार रहें, और वापस कोई लहर नहीं आए। अब लहर आए तो सिर्फ कविता की आए और आनंद की आए, तो ऐसी कामना के साथ तो होली के लिए मुंबई वासियों के लिए, खासकर जब मेवाड़ के लोग पूरी टीम के ऑर्गेनाइजर थे और जो श्रोतागढ़ थे, उनके लिए सर क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत लंबे समय बाद में, जैसा कि इसका नाम मेवाड़ एकता संघ है, तो बड़ी एकता भी देखी गई और मेवाड़ की भी एकता देखी गई, राजस्थान की भी। सब प्रदेशों के लोग वैसे यहाँ पर थे, राजस्थान के भी तमाम इलाकों के थे। बड़े सौहार्द के साथ में ये कार्यक्रम किया गया और मैं सभी ऊर्जावान युवकों को और आयोजन मंडली को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा, शैलेश लोढ़ा जी के सानिध्य में और संजय झाला जी के संचालन में भी, और आज तो हमारे गीतों के राजकुमार राजस्थान के गर्व है राजकुमार बादल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप उनसे भी कुछ सवाल करें प्लीज। राजकुमार बादल जी, जिस तरह से आपने एक बारिश की यहाँ पे कवियों के द्वारा, आपने जो कवि का एक रसधार के रूप में बादल की बारिश की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत आप। उत्साह केवल एक तरफ से नहीं था, आयोजकों में तो था ही, कवियों में भी इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साह था, श्रोताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह था। सबने, माता बहनों ने, युवाओं ने, सब ने मिलकर इस आयोजन को इतना बेहतरीन कर दिया कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। निश्चित रूप से ये आयोजन यादगार रहेगा। टीम बहुत बेहतरीन थी, बड़े स्टार लोग थे, और एक भी प्रकार की, जिससे हम कहें कि ये थोड़ी असुविधा सी रही, कोई असुविधा नहीं, बहुत बेहतरीन रहा। जहाँ भाई अशोक हो, संजय झाला जी हो, और शैलेश लोढ़ा जैसा स्टार जिस प्रोग्राम में हो, कानू पंडित से लेके हाशिम भाई, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन पढ़ा। और ये होली हमें यहाँ आकर और यादगार रहेगी। मैं तमाम मुंबई वासियों को इसके लिए बहुत बहुत रंगों के इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अवसरों पर भी इस तरह के आयोजन विभिन्न क्षेत्र के लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी तरफ से किए जाए, ताकि हमारा सामाजिक सौहार्द, हमारा उत्साह, हमारी उत्सव धर्मिता जिंदा रहे। जय राजस्थान, जय भारत, जय मुंबई। श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई के एक कार्य सम्राट अध्यक्ष के रूप में जाने जाने वाले दिलीप जी पगारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने रंग रंगीलो राजस्थान की तर्ज पर भव्य और ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। हालांकि यह कार्यक्रम कई सालों से होता रहा, लेकिन इस बार का कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर विश्व विख्यात कवि शैलेश लोढ़ा जी के साथ तमाम एक कवि यहाँ पे उपस्थित हुए। हम सीधे रुख करते हैं और जानते हैं दिलीप जी पगारिया जो कि संस्था के अध्यक्ष। दिलीप जी पगारिया जी, आपकी अथक परिश्रम रंग लाई, बहुत भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था, क्या कहना चाहिए? मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मेरे पूरे मुंबई में बसे राजस्थान वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पे हमने 10 दिन के अंदर ये प्रोग्राम पूरा अरेंज किया। हमारी कमेटी ने निर्णय किया कि भाई किसी कारणवश हम कोरोना काल में नहीं कर पाए और अब हम ये प्रोग्राम को करना चाहते हैं।
तो कमेटी ने जवाबदारी दी कि भाई आप अध्यक्ष पद के लिए आगे आओ और इस कार्यक्रम को संपादित करो, आपकी अच्छी खासी सब मेहनत से हो जाएगा। पर मेरी मेहनत नहीं, मैं कहूँगा इसमें मेरे संपूर्ण कार्यकर्ता मेरे साथ, मनीष जी, दिनेश जी, रोशन जी, उन्होंने सब मिलके जो मुझे मोटिवेट किया। और ख़ास करके मैं मंगल ग्रुप के मेघराज जी धाकड़ को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि दिलीप जी आप आगे बढ़ो, प्रोग्राम ऑटोमेटिक हो जाएगा, पैसे की कोई चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और वही उनके शब्द और मेरे सभी शुभचिंतकों के शब्द मेरे काम आए कि हम 8 दिन के अंदर पैसा भी इकट्ठा हो गया, कवियों की टीम बन गई, हॉल बुक हो गया और ये प्रोग्राम आज यहाँ तक एक लार्जेस्ट स्केल पे हुआ, जिसमें शैलेश लोढ़ा जी के साथ संपूर्ण टीम, कवियों की अशोक चारण जी समझो, राजकुमार बादल जी समझो, कवियत्री पद्मिनी शर्मा समझो, मतलब बड़े ही मतलब एक समा बांध दी इन्होंने, इन कवियों ने। इनको भी मैं कवियों को भी तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो आज काव्य पाठ किया काबिले तारीफ है। मुंबई में कई मतलब दिनों से ऐसा कवि सम्मेलन नहीं हुआ जैसा आज इस मंच पर कवि सम्मेलन हुआ सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में। तो मैं संपूर्ण 36 कोम राजस्थान वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हर जगह से लोग यहाँ पहुँचे। और बाहर का जो माहौल है आप खुद ने देखा है कि बाहर क्राउड मैनेज करना कितना भारी पड़ रहा था, उसके बाद में भी सब लोगों को हमने बिठाया, किसी को निराश नहीं किया, रिटर्न नहीं जाने दिया, ये एक हमारी उपलब्धि है। और इतने शॉर्ट नोटिस में जो लोगों का प्यार हमारे ऊपर बरसा और ये राजस्थानी श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ द्वारा आयोजित होली महोत्सव 2022 इस ग्रैंड सक्सेस हुआ। और आप सभी के स्नेह और प्यार और मेरे सभी स्पॉन्सरों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि इतने कम समय में भी उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और कहा जो पैसा चाहिए, जो लिखो पर प्रोग्राम अच्छा करना है, कवियों की टीम अच्छी लानी है और आपका मैनेजमेंट, और उसके बाद में सब लोगों ने जो मेरे लिए कहा उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ उन्होंने सब जन का। भाई दिलीप, बहुत कम टाइम में आपने बढ़िया और अच्छे से इस प्रोग्राम को संपादित करवाने में जो आपकी भूमिका रही आपकी टीम की, मैं मेरी संपूर्ण टीम को भी धन्यवाद देता हूँ उन्होंने जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम तक सफलता दिलाने में मेरा साथ दिया। पुनः सभी पत्रकार महोदय प्रातःकाल से उपाध्याय जी पधारे, मीप गोयल जी, जो भी मेरे सब आप मारो राजस्थान से रितेश पाठक जी, सभी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। कवियों को धन्यवाद देता हूँ, स्पॉन्सर सभी ऑलमोस्ट उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो 36 कोम से आज यहाँ एक मारो राजस्थान रंगीलो राजस्थान जो एक मेलो लगायो, उन सभी को मैं पुनः धन्यवाद। श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई के कार्यक्रम में हास्य कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, गुणवंत जी खिरुदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुणवंत जी, जिस तरह से कार्यक्रम हुआ हास्य कवि सम्मेलन, मेवाड़ वासियों में गर्व का पर्व माना जाता है, होली की बात करें यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो पहले तो मैं सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आज का जो कार्यक्रम हुआ एक अति गौरवान्वित कार्यक्रम हुआ। मेवाड़ वालों का ये अच्छा प्रोग्राम है और अच्छा प्रयास हर साल रहता है, तो इस समय इस साल जो नई टीम थी प्रमुख बोरा जी और अध्यक्ष दिलीप जी और महासचिव अपने सियाल जी, उन्होंने बहुत अच्छा टीम बुलाई और अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा गरिमा में कवि सम्मेलन हुआ। इसलिए मैं उन सबको बधाई देता हूं और मैं उनसे आशा करता हूं कि आने वाले सालों में भी वो दिन दुनी रात चुगनी इस प्रोग्राम को गरिमा में बनावे। धन्यवाद। इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहे ऐसा कहना गुणवंत जी खजुरिया का है, खरुदिया का है कि उनका कहना है कि जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है इस तरह का कार्यक्रम आगे भी देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, मतलब सबको एक साथ जोड़ के रखा है तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम होली पे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा उनको तो, जैसे सुनते ही जाओ मतलब ख़त्म ही नहीं हो, एक टाइम लिमिट होती है इस वजह से रुकना पड़ा, नहीं तो सुनते ही रहे हो। आपका नाम? सरोज नवलखा। नहीं बहुत अच्छा, अच्छे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। हम तो यहाँ पहली बार ही आए हैं, मैं सूरत से आई हूँ, सूरत से स्पेशली हम देखने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत से बहुत अच्छा रहा। बेटा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता के शैलेश जी का आपने कविता सुना, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया था, जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो मेहनत की वो पूरी सफलता से इस कार्यक्रम को पूरा किया। थैंक यू। आप? मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ। क्लास में? 7th। कविता कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपका क्या कहना चाहोगे कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और मेवाड़ी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुंबई के जो मेवाड़ के लोग जो मुंबई में रह रहे हैं उनका अपने गांव के प्रति अपनी भाषा के प्रति जो समर्पण है उसको सल्यूट करने की इच्छा होती है, और ये हमेशा ये कार्यक्रम करते रहे, इनका कार्यक्रम हमेशा दिनों दिन परवान चढ़े, इसी के साथ शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत ही जोरदार रहा, बहुत शानदार था, सब कवियों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और सबसे गेट टुगेदर मिलने को हुआ,
और साथ में लास्ट एंडिंग में जो दाल बाटी का प्रोग्राम वो तो बहुत ही अच्छा रहा। जो मेरे देश के है गद्दार,
जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। तीसरी पंक्ति मुझे बताइए कि मुझे कविता आप तक पहुंचानी पूरी तरह पहुंचानी है, मुझे दो पंक्त पढ़ के आगे को सुनना है। मैं चाहता हूं जो लोग ऊपर बैठे वो भी इस कविता पे जुड़ जाएं मुझसे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ पकड़ जोरदार तालियां। मैं आपको बताया कि मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। पेश करता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, शायरी शाहों का नाम है, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। अब एक बंद पड़ता, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है। मेरी सारी कविता एक तरफ, मेरी सारी पोइट्री एक तरफ, और ये स्टेंजा एक तरफ। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कान खड़े हो जाते हैं कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देख रही है। विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से अपना भाषण देकर निकल रहे थे, एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आती है और आकर कहती है कि मुझे आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तालियां उठे आपके उनके जवाब पर। विवेकानंद ने कहा कि माँ तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। मैं चार पंक्तियां तब पढ़ना चाहता हूँ। उस विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं सिर्फ चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, आपका फैसला आप पर। आप कितना सम्मान करते हैं ये शायद आपकी तालियां तय करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला छौंका कर क्या लेगा हमारा राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा। कहाँ जिंदा है बता दिया हो तो फिर उठ जाए हाथ। कि राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कब माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। आभार निवार। चार पंक्तियां और निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कोई भी नहीं है तुम किनारा। और बहुत तेवर के साथ, एक राजस्थानी तेवर के साथ मैंने बात करी है इसमें, और मुझे पता चलेगा इनके बाद में एक छोटी सी कविता आपके बीच सुनाऊंगा। मैंने निवेदन कर रहा हूँ कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कोई भी नहीं हो तुम, तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम,
सच ये है टूटा हुआ शिहुल भी नहीं हो तुम तो जाने किस मत वाले गंग में भरे हुए हो भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम तो मूर्ति को तोड़ कर इतराने वालों सुनो स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम जो भी कांग्रेस को पूर्ण
हम उसका सम्मान करेंगे। तभी अचानक एक नेता कांग्रेस का खड़ा हुआ, बोले मैडम मैडम मैं कांग्रेस की लोकसभा की 750 सीटें ला सकता हूँ। 750? अब सोनिया जी ने 750 कुल है कि 550? तुम 750 कहां से लाओगे? बोले मैडम मैं पाकिस्तान की मिलाकर बोल रहा था। वो फोटोग्राफर बहुत देर से मेरा फोटो खींच रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में तामझाम करने की आदत होती है। खाटी खुद अपनी लुटा लेते हैं कभी, और कभी खुद कुर्ते की जेब फाड़ लाते हैं। खाटी खुद अपनी लुटा लेते हैं कभी, और कभी खुद कुर्ते की जेब फाड़ लाते हैं। कभी साइकिल ले उछल कूद कर दे दो, कभी कारखाने में ये आलू उगवाते हैं। होना चाहिए भी, होना चाहिए भी, हाँ होना चाहिए भी अटल बिहारी की आजा होली खेले मितवा। होना चाहिए भी अटल बिहारी की आजा होली खेले मितवा। सारे दिल के बजाओ अब ताली की आजा होली खेले मितवा। चार पंक्तियां हासिल करना चाहती हूँ। अंकल आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, आपकी दाढ़ी से मुझे बहुत डर लग रहा है।